बात अच्छी है सर, तो देख रहे हो ये मेरे कस्टमर भी है और मेरी जेठानी जी भी है। तो मैं इनके थ्रेडिंग करने जा रही हूँ, आप इनकी थ्रेडिंग देख रहे हो अभी कैसी है, बनाने के बाद फिर देखना कैसी है। तो अभी हमारे जिससे चार सामान लगता है आपको तो पता है, थ्रेडिंग में थ्रेड धागा लगता है, पाउडर, लोशन और कैंची। तो अभी चलो हम शुरू करते हैं। तो गाइस हमको ऊपर से सबसे पहले शुरू करना है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर से थ्रेडिंग बनानी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा शेप देने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर नीचे ज़्यादा हो जाते हैं घने घने, तो ये ज़्यादा निकालना पड़ता है, तो ऊपर से देना है, इसके बाद नीचे करना है। तो अभी मैं शुरू करूँगी, तो आप जब देखते जाना कैसे कैसे करना है, कैसे निकालना है बाल। तो गाइस इनको मोटी चाहिए, मैं एब्रोक पतली नहीं चाहिए, तो इनको जैसे ही है थोड़ा बहुत सेट करना है, और इनकी मोटी रहनी चाहिए, क्योंकि मोटी आजकल अच्छी भी लगती है, ज़्यादा पतली अच्छी भी लगती है, इनको पतला करना है। तो इनके एब्रो के अकॉर्डिंग करना, देख रहे हो इनकी एब्रो दोनों सेम है, अच्छी बनी हुई है, एक भी खराब नहीं है, तो दोनों के एक ही शेप देंगे। जैसे मैंने बताया था कि पहले की इधर जैसे खराब है, तो आपको इस हिसाब से नहीं बनानी, इधर अच्छी है इस हिसाब से बनानी है। तो चलो अब इनकी दोनों अच्छी हैं, तो दोनों हिसाब से ही बनाते हैं, शेप देते हैं, पतला नहीं करना है, मोटा ही करना है, जैसे इनके बस शेप देना है। चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, लगा रही हूँ, इसमें से लगता नहीं है, थोड़ा बाहर निकलते हैं तो लगता है, तो इसमें थोड़ा कम लगेगा, ये लगाना बहुत जरूरी है। मैंने लगा रही हूँ, अभी धागा को मैंने साइड पे फंसाया हुआ है, अब मैं इसके 10 राउंड करूंगी, देख रहे हो आप, इसे जितने भी राउंड करेंगे थोड़ा ज्यादा लेंगे तो बाल अच्छे से निकल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा राउंड लेना है। तो वैसे इनके यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए यहाँ पे निकालना था, क्योंकि बिंदी वगैरह लगा देते, तो यहाँ पे निकालना बहुत ज़रूरी होता, अच्छा भी नहीं लगता ना, इसलिए यहाँ पे मेरे बीच का निकाल रही हूँ, फिर इनका शेप दूंगी। निकल गए,
कर गई गाइस। बाबू आई तो कहां गई? बाप रे के बाल काटा भाई नहीं ये वाला नीचे का ओड़ी हाँ बाप नीचे का क्या यार आंखी कहाँ है एक बार ऊपर से कौन है लोशन लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बाल खींचते में रेड रेड हो जाता है, जलन भी होती है, इसलिए लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इनकी एब्रो में थोड़ा अहम मसाज करनी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग बन चुकी है। देखो दोनों सेब कैसी लग रही है बताना कमेंट्स में। बढ़िया लग रही है, थोड़ा लोशन लगाने से चिपक गई है। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और कमेंट्स बताना कैसा लगा हमारा थ्रेडिंग का वीडियो। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सपोर्ट करो। ठीक है गाइस, बाय बाय, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।